अब हम करेंगे कंप्रेसर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। चलिए अब हम क्वेश्चंस करते हैं, आपको दिखाई देंगे साइड में क्वेश्चंस। क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा, कंप्रेसर का कार्य है, कंप्रेसर का क्या कार्य है? ऑप्शन ए, निम्न दाब को उच्च दाब में परिवर्तित करना, यानी कि लो प्रेशर को उच्च प्रेशर के अंदर परिवर्तित करना। ऑप्शन बी है, निम्न ताप को उच्च ताप में परिवर्तित करना, जो लो टेम्परेचर है उसको हाई टेम्परेचर के अंदर परिवर्तित करना। ऑप्शन सी है, ई वेपरेटर से रेफ्रिजरेंट वाष्प को खींचना, ठीक है। और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। बताइए दोस्तों, कंप्रेसर का क्या कार्य होगा? पहली बात, वो लो प्रेशर से हाई प्रेशर के अंदर वाष्प को कन्वर्ट करता है। दूसरी बात, उसका टेम्परेचर जो लो होता है उसको भी वो क्या कर देता है, टेम्परेचर को बढ़ा देता है। तीसरी बात, वो ई वेपोरेटर से क्या करता है, कंप्रेसर रेफ्रिजरेटेड वाष्प को या रेफ्रिजरेंट वाष्प को सक कर लेता है, खींच लेता है, ठीक है। तो ये तीन पॉइंट आ गए यहाँ पे। तो चौथा ऑप्शन जो दिख रहा है आपको, उपरोक्त सभी यानी ऑल ऑफ द अबव, इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों। तो पहले सवाल का जवाब क्या हो गया, ऑल ऑफ द अबव। अब जितना हमने पढ़ा है सारे क्वेश्चन आपको लगभग उसी में से देखने के लिए मिलेंगे। और इसके अलावा भी मैं आप लोगों को रिकमेंड करता हूँ कि आप और क्वेश्चन मिलाइए, डाउट हो तो पूछें, ठीक है। कुछ थ्योरेटिकल टॉपिक्स हैं जिनमें यदि आपको डाउट हो तो आप आराम से पूछें, न्यूमेरिकल हो तो न्यूमेरिकल भी हो तो भी पूछें। या मैंने पढ़ाया उसमें से आपको कुछ समझ में नहीं आया है, ठीक है, कोई चीज़ है जो आपको बार बार वीडियो देखने पे भी समझ में नहीं आ रही है, तो भी आप मुझसे पूछो। आप सबके पास मेरा नंबर है, मैं दे चुका हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दो देखो, उस घटक का नाम बताइए जो रेफ्रिजरेशन सिस्टम में ताप और दाब को बढ़ाता है। घटक मतलब ये अवयव पूछना चाह रहे थे, ठीक है। उस अवयव का नाम बताइए, उस कंपोनेंट का नाम बताइए। तो वो कौन सा कंपोनेंट है जो रेफ्रिजरेशन सिस्टम में टेम्परेचर को भी इंक्रीज करता है और प्रेशर को भी इंक्रीज करता है? ऑप्शन ए है कंडेंसर, ऑप्शन बी है इवेपोरेटर, ऑप्शन सी है कंप्रेसर और ऑप्शन डी है एक्सपेंशन उपकरण। कंडेंसर, अरे ये कंप्रेसर आप भी जानते हैं, ठीक है। तो ये तो सवाल ही ऐसा है जिसका सब जवाब आप सबको पता है, कंप्रेसर का यही काम है। क्वेश्चन नंबर तीन करेंगे, क्वेश्चन नंबर थ्री, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर में प्रयुक्त रेफ्रिजरेंट है, निम्नलिखित में से कौन सा रेफ्रिजरेंट रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर में यूज़ किया जाता है? ऑप्शन ए है अमोनिया यानी कि NH3, ऑप्शन बी है फ्रियोन 12 और जो ऑप्शन सी है वो है मिथाइल क्लोराइड और ऑप्शन डी है ये सभी। तो बताइए, एक काम करो, इस क्वेश्चन को करने से पहले आपने जो नोट्स बनाए हैं उस नोट्स को रिवाइज करो, पीछे जाओ पीछे जाओ पीछे लेके जाओ, ठीक है। और पीछे लेके जाके आप देखिए कि मिथाइल क्लोराइड है या नहीं है, फ्रियोन 12 है या नहीं है, अमोनिया है या नहीं है, तो ये तीनों ही आपको मिलेंगे। तो मैंने लिखवाया था कि रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर में आप कौन कौन से जो रेफ्रिजरेंट है उनका यूज़ कर सकते हैं, तो अमोनिया, फ्रियोन और मिथाइल क्लोराइड तीनों का यूज़ कर सकते हैं। तो ऑप्शन जो चौथा है यानी कि डी ऑप्शन, वो करेक्ट आंसर है, डी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट है। चलो क्वेश्चन नंबर फोर, पिस्टन किस कंप्रेसर से संबंधित है, यानी कि कौन से कंप्रेसर के अंदर पिस्टन का उपयोग किया जाता है? रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर, रोटरी कंप्रेसर अथवा गियर कंप्रेसर। तो गियर कंप्रेसर तो ऑप्शन गलत है, इनको करना था स्क्रू कंप्रेसर, ठीक है। जैसा कि आप जानते हैं स्क्रू कंप्रेसर के अंदर क्या था, एक फीमेल रोटर थी और एक मेल रोटर थी, ठीक है, और दोनों आपस में मैश होकर चलते थे। अगर मेल रोटर इस डायरेक्शन में घूम रहा है तो फीमेल रोटर इस डायरेक्शन के अंदर घूमेगी। दोनों कैसे चल रहे हैं, अपोजिट चलते थे इस प्रकार से, ठीक है, अपोजिट चला करते थे। क्लियरेंस वॉल्यूम उनकी कम होती जा रही थी, पर वहाँ पे आपको एक भी रेसिप्रोकेटिंग पार्ट नहीं दिखा था, ठीक है। तो पिस्टन क्या है, क्या पिस्टन कभी आपने देखा है पिस्टन को हाथ में पकड़ के घुमा रहे हैं, नहीं घुमाते। तो पिस्टन क्या आपका रेसिप्रोकेटिंग पार्ट है, हाँ। पिस्टन क्या आपका रोटरी पार्ट है, ना। तो डी ऑप्शन कतई गलत है। रोटरी कंप्रेसर के अंदर क्या था भैया, दो तरह के रोटरी कंप्रेसर थे, एक स्टेशनरी ब्लेड था और एक रोटरी ब्लेड था। स्टेशनरी ब्लेड के अंदर आपको एक रेसिप्रोकेटिंग पार्ट दिखता था जो था ब्लेड,
ठीक है, वो ब्लेड क्या करता था, डिस्चार्ज पोर्ट को और सक्शन पोर्ट को डिवाइड करने का काम करता था, और सबसे पहले रेफ्रिजरेटेड वाष्प को लेके अपने अंदर जो उसका एक सिलेंडर पिस्टन हल्का सा अरेंजमेंट जो था लगा हुआ, सिलेंडर पिस्टन नहीं, ब्लेड जो था वो आगे पीछे मूव करके क्या कर देता था उसको, उसका उसको कंप्रेस करके डिस्चार्ज पोर्ट के थ्रू भेज दिया करता था, ठीक है, जो मैंने प्री कंप्रेसिंग जो मैंने बार बार बोला था। तो ऐसा होता तो था पर उसके अंदर पिस्टन का उपयोग नहीं किया जाता था, पिस्टन का उपयोग नहीं हो रहा, तो तीसरा ऑप्शन गलत है। बी जो था सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर, उसके अंदर एक इंपीलर लगा हुआ था, इंपीलर पे वेंस लगी हुई थी और बाहर एक केसिंग थी। सबसे पहले जो रेफ्रिजरेंट था उसको सेंटर पे छोड़ा गया था, सेंटर से वो रेफ्रिजरेंट क्या कर रहा था, सेंटर से दूर भागने की कोशिश कर रहा था गोल गोल घूम के, यानी सेंट्रीफ्यूगल यानी कि अपकेंद्रीय बल उसके ऊपर लग रहा था और अपकेंद्रीय बल लगने की वजह से वो कंप्रेस हो रहा था। तो इसके अंदर भी किसी भी रोटेटिंग रेसिप्रोकेटिंग एलिमेंट का यूज़ नहीं किया गया। और रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर के अंदर क्या होता था, एक क्रैंकशाफ्ट होती थी, क्रैंकशाफ्ट कनेक्टेड होती थी कनेक्टिंग रॉड से, कनेक्टिंग रॉड कनेक्टेड होता था एक पिस्टन से, और पिस्टन के ऊपर क्या होती थी क्लीयरेंस वॉल्यूम या क्लीयरेंस स्पेस हुआ करता था। इधर तो क्रैंकशाफ्ट थी आपकी, वो कनेक्ट होती थी प्राइम मूवर की मोटर से, प्राइम मूवर की मोटर घूमती थी, क्रैंकशाफ्ट घूमती थी इस तरीके से, और उससे अटैच होती थी कनेक्टिंग रॉड, ये घूमती थी, देखिए क्रैंकशाफ्ट घूमी ये नीचे गया, क्रैंकशाफ्ट घूमी कनेक्टिंग रॉड नीचे गई, यानी कि कनेक्टिंग रॉड पिस्टन के क्रैंक के रेसिप्रोकेटिंग मोशन को, पिस्टन रोटरी मोशन को पिस्टन के रेसिप्रोकेटिंग मोशन के अंदर कन्वर्ट करी, रेसिप्रोकेट हो रहा था पिस्टन आपका ऊपर नीचे होना स्टार्ट कर देगा। तो पिस्टन किसके अंदर आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ रेसिप्रोकेटरी कंप्रेशर के अंदर आ रहा है। जिन बच्चों ने चैप्टर पढ़ा है वो इसका जवाब पहले ही दे चुके होंगे, ये उनके लिए था जिन बच्चों ने चैप्टर नहीं पढ़ा है, ठीक है, जो आपके क्वेश्चंस जैसा आपको पता है कि हम प्रोवाइड करवाते हैं, ये पूरा एक्सप्लेनेशन उन बच्चों के लिए था, तो आप चिढ़िएगा मत, परेशान मत होइएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, तो इसका आंसर हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 5, घरेलू कंप्रेसर में पिस्टन बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है। पिस्टन बनाया जाता है, बताया था मैंने, कास्ट आयरन का, ठीक है, या कास्ट एल्यूमिनियम का, एल्यूमिनियम अलॉय नहीं, कास्ट एल्यूमिनियम का। तो कास्ट मतलब होता है कच्चा, ऑप्शन दे रखा है स्टील, स्टील क्या है एक अलॉय है, स्टील अलॉय होता है ना किस किस का, लोहे का और कार्बन का, कार्बन की मात्रा के आधार पर आप बताते हैं कि ये हाई कार्बन स्टील है, लो कार्बन स्टील अर्थात माइल्ड स्टील है, ठीक है। तो आप ये जो बताते हैं ना कि कौन सा स्टील है, तो ये सब कार्बन की मात्रा पे बताया जाता है, ठीक है, तो कार्बन ही मेन यहाँ पे कंपोनेंट होता है। फिर आता है आपका पीतल, पीतल भी नहीं होता, पीतल का पिस्टन लगाओगे गाड़ी चोरी हो जाएगी या कंप्रेसर चोरी हो जाएगा, सोने का भी नहीं लगाते हम, ठीक है। सी है कच्चा लोहा यानी कि कास्ट आयरन, जो कि सही जवाब है, और डी है एल्यूमिनियम मिश्र धातु, जो कि गलत जवाब है। तो सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। अब देखता हूं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, दो स्टेटमेंट दे रखे हैं यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे। पहला स्टेटमेंट, पिस्टन का कार्य कंप्रेसर के सिलेंडर में गैस को कंप्रेस करना होता है। कथन दो जो दे रखा है स्टेटमेंट नंबर 2, पिस्टन तथा सिलेंडर के मध्य गैप को सील करने के लिए कंप्रेशन रिंग का प्रयोग किया जाता है। तो अब आपको इनमें से बताना है कि कौन सा कथन जो है इनमें से सही है और कौन सा कथन जो है इनमें से क्या है गलत है। तो पहला कथन देखिए, पिस्टन का कार्य कंप्रेसर के सिलेंडर में गैस को कंप्रेस करना होता है, क्या ये सही है या गलत है। बिल्कुल सही है, पिस्टन का कार्य यही होता है कि भाई कंप्रेसर के सिलेंडर में गैस को कंप्रेस करी जाए। तो पहला कथन सही है यानी कि ए इसका आंसर हो सकता है, पर अभी नहीं बोलेंगे। दूसरा कथन पढ़ो वापस, पिस्टन तथा सिलेंडर के मध्य गैप को सील करने के लिए कंप्रेशन रिंग का प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल सही बात है। तो दूसरा कथन भी सत्य है। तो ऐसा कौन सा विकल्प दिखाई दे रहा है जिसके अंदर दोनों कथन यानी कि दोनों स्टेटमेंट को क्या बताया गया है, सत्य बताया गया। तो ऐसा कौन सा विकल्प दिखाई दे रहा है आप लोगों को, सिर्फ और सिर्फ तीसरा विकल्प दिखाई दे रहा है। तो कथन एक और कथन दो दोनों क्या हैं आपके, सत्य हैं, सत्य कथन है, सत्य वचन होता है वैसे ही सत्य कथन है। तो 6th नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया सी। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 7। कंप्रेशर रिंग का उद्देश्य पिस्टन और सिलेंडर के बीच रिंग को, सॉरी कंप्रेशन रिंग का उद्देश्य पिस्टन और सिलेंडर के बीच को सील करना होता है। अच्छी बात, सवाल ये था कि कंप्रेशन रिंग
प्राय बना हुआ होता है। तो सवाल सिर्फ इतना सा है कि कंप्रेशन रिंग जो है कौन से मटेरियल का बना हुआ होता है। ऑप्शन ए है निम्न कार्बन स्टील, मतलब हुआ लो कार्बन स्टील यानी माइल्ड स्टील। ऑप्शन बी है उच्च कार्बन स्टील, मतलब कि हाई कार्बन स्टील। ऑप्शन सी है एल्यूमिनियम और ऑप्शन डी कास्ट आयरन। तो पिस्टन रिंग को बनाया जाता है एल्यूमिनियम का, ठीक है। सॉफ्ट धातु होता है एक नंबर एल्यूमिनियम जो होता है आपका, तो पिस्टन रिंग आपका किसका बना हुआ होता है? एल्यूमिनियम का बना हुआ होता है। सातवें सवाल का आंसर हुआ सी। आठवां सवाल देखो, कंप्रेसर के पिस्टन बनाने के लिए निम्न में से किस धातु का प्रयोग किया जाता है? कंप्रेसर के पिस्टन बनाने के लिए निम्न में से किस धातु का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए कास्ट आयरन का, ऑप्शन बी एल्यूमिनियम का, ऑप्शन सी कार्बन स्टील का और ऑप्शन डी ए और बी दोनों। तो मैंने बताया आपको कि भाई जब पिस्टन बना रहे हैं आप कंप्रेसर के, तो किसका यूज़ कर रहे हैं? कास्ट आयरन का भी यूज़ कर सकते हैं और एल्यूमिनियम जो है उसका भी आप यूज़ यहाँ पर कर सकते हैं। तो ए और बी दोनों ही इसका सही जवाब है। आप बोलोगे कि क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें आपने बताया था सर घरेलू कंप्रेसर में पिस्टन बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है, तो वो कच्चा लोहा था। तो भाई ऐसा क्या हुआ, वो मैं बात कर रहा हूँ डोमेस्टिक कंप्रेसर्स की, जो डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर के अंदर यूज़ हो रहा है, और ये मैं जनरलाइज बात कर रहा हूँ कंप्रेसर पिस्टन की। और यहाँ पे मैंने कास्ट आयरन भी बताया जो कि कच्चा लोहा था, बिल्कुल सही है। और जो आपको पांचवें क्वेश्चन में डी ऑप्शन दिखता था एल्यूमिनियम मिश्र धातु, उसको मैंने यहाँ पे इंक्लूड क्यों नहीं किया? मैंने ये क्यों नहीं बोला कि ये क्वेश्चन गलत है और इसका आंसर होगा सी और डी, दोनों इसका आंसर होगा? तो मैंने ही बच्चों ये इसलिए नहीं बोला क्योंकि एल्यूमिनियम अलॉय और एल्यूमिनियम के अंदर फर्क होता है। एल्यूमिनियम अलॉय के अंदर एल्यूमिनियम के साथ और भी कुछ धातुओं को मिलाया गया है, इसलिए उसको अलॉय कहा गया या मिश्र धातु कहा गया, ये रीजन था। और यहां पर सिर्फ प्योर एल्यूमिनियम दे रखा है, तो एल्यूमिनियम और कास्ट आयरन का उपयोग किया जाता है पिस्टन बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 9 वो क्वेश्चन है जो मैं आपको बताना भूल गया था और मैंने बाद में लिखवाया था आपको कि भैया ये जरा लिखना, मैं ये चीज तो आपको बताना ही भूल गया हूं। तो ये वही है, कंप्रेसर को अच्छी कार्य क्षमता के लिए पिस्टन एवं सिलेंडर में कम क्लियरेंस रखा जाता है, तो ये क्लियरेंस जो है लगभग कितने इंच का होना चाहिए? ऑप्शन ए है 0.03 इंच, ऑप्शन बी है ऑप्शन ए है 0.003 इंच, ऑप्शन बी है 0.03 इंच, ऑप्शन सी है 0.002 इंच और ऑप्शन डी है 0.02 इंच। तो ये मैंने बोला था, ये मैं आपको बताना भूल गया, लिखो जरा नोट के अंदर कितना रखा जाता है 0.003 इंच। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब है। क्वेश्चन नंबर 10वां देखते हैं। हाँ, कंप्रेसर के निम्न आरेख में एक आपको फोटो दिखाई दे रहा होगा, इसके अंदर एक्स के द्वारा किस भाग को प्रदर्शित किया गया है? आप बताइए, फोटो दिखाई दे रहा है आप लोगों को, एक्स के द्वारा किस भाग को प्रदर्शित किया गया है? मेरे को नहीं दिखाई दे रहा, मैं बना लेता हूँ। ये सिलेंडर था, और इस भाग को एक्स प्रदर्शित किया गया, ये क्या है? चौथी क्लास का बच्चा बता देगा कि ये पिस्टन है। ऑप्शन नंबर सी, देखो ए ऑप्शन भी बड़े इंटरेस्टिंग है, हाउसिंग, सिलेंडर, पिस्टन या सक्शन वॉल, बड़े इंटरेस्टिंग से ऑप्शन है। तो क्या है भैया? पिस्टन, जो आपको ऑप्शन नंबर सी के अंदर दिखाई दे रहा है, ठीक है। चलिए अब चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 11 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलता है कि पिस्टन में कई प्रकार के जो ऑयल रिंग है उनको प्रयोग किया जाता है, कई प्रकार के रिंग प्रयोग किए जाते हैं। पिस्टन तथा सिलेंडर के मध्य स्नेहक यानी कि लुब्रिकेटिंग ऑयल पहुंचाने के लिए किस रिंग का प्रयोग किया जाता है? कंप्रेशन रिंग का, ऑयल रिंग का, एक्सपेंशन रिंग का, या इनमें से कोई नहीं? तो पिस्टन तथा सिलेंडर के मध्य ऑयल पहुंचाने के लिए सदैव किसका यूज़ किया जाएगा? ऑयल रिंग का ही उपयोग किया जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। 12वां क्वेश्चन देखें, सामान्यतः जो सिलेंडर हैं वो किसके बनाए जाते हैं? कास्ट आयरन के बनाए जाते हैं, ठीक है। सिलेंडर में कास्ट आयरन का घनत्व बढ़ाने के लिए एक धातु को मिलाया जाता है, वो धातु कौन सी होती है? सवाल यहाँ पर ये उठता है। तो आप ज़रा ध्यान याद कीजिए, जब मैंने सिलेंडर बताया था और सिलेंडर में मैंने बोला था कि सिलेंडर के अगर आपको पार्ट का घनत्व बढ़ाना है तो आप धातु का उपयोग करें, और वो धातु कौन सी होगी? ऑप्शन दे रखा है एल्यूमिनियम है, कार्बन है, या पीतल है, या निकल है। तो क्या ऑप्शन इसका करेक्ट होगा बताइए?
निकल धातु का उपयोग किया जाता है घनत्व को बढ़ाने के लिए। तो ऑप्शन जो डी में आपको गिवन है वो एकदम करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फोर यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट है। 13वां क्वेश्चन देखो, यहां पे आपको वापस से एक डायग्राम बना हुआ दिख रहा होगा, ठीक है, और उस डायग्राम के अंदर जिसको आपने x से आपने पॉइंट कर रखा है x, उस पॉइंट का क्या नाम है। ए दे रखा है पिस्टन, बी दे रखा है सिलेंडर, सी दे रखा है क्रैंक पिन और डी दे रखा है क्रैंकशाफ्ट। मैं बताऊं किसको, क्या आपको डायग्राम दिख रहा हो तो इस प्रकार जो बना रखा है आपका, हाँ इसी प्रकार बना रखा है और अंदर पिस्टन लगा रखा है और ये एक्स है, बाहर वाला सिलेंडर है, ये तो कोई है ही नहीं, सिलेंडर है, सीधी सी बात है, अपने सिलेंडर टेढ़े ही रहते हैं, सिलेंडर है, अभी भी टेढ़े सिलेंडर है ये, अब सीधे तो सिलेंडर कहा जाता है। चलिए 14वां सवाल, पिस्टन को, अच्छा 14 सवाल पहले लिख लूं मैं यहां पे, 14 सवाल है, पिस्टन को किससे जोड़ रहे हैं, क्रैंकशाफ्ट से, जोड़ने वाला भाग क्या कहलाता है, पिस्टन को क्रैंकशाफ्ट से जोड़ने वाला भाग क्या कहलाता है, गजन पिन, वॉल्व, कनेक्टिंग रॉड अथवा फ्लाईव्हील। तो पिस्टन को क्रैंकशाफ्ट से कौन जोड़ता है, एक ऐसी रॉड होती है जिसके एक सिरे पे स्मॉल एंड होता है और एक सिरे पे बिग एंड होता है, उसको कहा जाता है कनेक्टिंग रॉड। 14वें सवाल का आंसर जो है वो है सी, कनेक्टिंग रॉड इसका सही जवाब है। 15वां सवाल देखें, कंप्रेसर के पिस्टन में लगी कनेक्टिंग रॉड किस धातु की बनाई जाती है, जो कनेक्टिंग रॉड लगा रहे हैं आप, सीधी सी बात है, कनेक्टिंग रॉड निम्न में से किस धातु की बनाई जाती है, ऑप्शन ए है एल्यूमिनियम, ऑप्शन बी है कांच से, ऑप्शन सी है कास्ट आयरन, ठीक है, और ऑप्शन डी है ये सभी। तो कनेक्टिंग रॉड को इन सभी का बनाया जा सकता है, डी ऑप्शन एकदम सही जवाब है। तो 15वां सवाल हो गई, अभी तक हमने 15 सवाल कर लिए, टोटल नंबर ऑफ सवाल मैं बता दूंगा आपको कितने, लगभग 60 के आसपास अराउंड करेंगे हम यहाँ पर भी। अब आता है आपका 16वां सवाल, 16वें सवाल के अंदर क्योंकि तीन डायग्राम दिए हुए हैं तो जो एडिटिंग कर रहे हैं मैं रिक्वेस्ट करूंगा उनसे कि वो पूरे बोर्ड पे डायग्राम लगा दें और क्वेश्चन लिख दें, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, पूरे बोर्ड पे डायग्राम लगा के आप क्वेश्चन लिख दीजिए। अब आसान सा सवाल है कि नीचे दिए गए चित्र में कंप्रेसर की क्रियाविधि को दर्शाया गया, तो ये कौन सा कंप्रेसर है, पहले में देखना क्या हो रहा है, पहले चित्र के अंदर क्या हो रहा है, पिस्टन नीचे की तरफ जा रहा है, एक एरो बना रखा है नीचे की तरफ जा रहा है, टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर जा रहा है, एक कनेक्टिंग रॉड लगी हुई है और एक क्रैंक लगी हुई है, ठीक है, क्रैंक क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, कनेक्टिंग रॉड भी नीचे आ रही है, फिर दूसरे में आपने देखा होगा कि ऑयल जो है मतलब रेफ्रिजरेंट जो है वो पूरा भर चुका है, ठीक है, पिस्टन क्रैंक और कनेक्टिंग रॉड एकदम सीधी है, ठीक है, और फिर तीसरे में आप देखोगे तो पिस्टन BDC से TDC की तरफ जा रहा है जहाँ पे कंप्रेस होकर वो डिस्चार्ज से निकल रहा है, तो ये पिस्टन आ रहा है सीधी सी बात है, सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट देखते ही आपको बता देना चाहिए था कि ये रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर जो है उसकी बातें हैं, उसका काम है, ठीक है। चलो 17वां सवाल करते हैं, हटा दीजिए आप, 17वां सवाल करें, 17वां सवाल है, पिस्टन को अलग करने के लिए आपको अवश्य हटानी पड़ेगी, क्या हटाना पड़ेगा भाई, एक ऐसी चीज़ हटानी पड़ेगी जिसको पिस्टन को हमें जोड़ने के लिए लगाना पड़ा हो, और पिस्टन को जोड़ने के लिए एक ही पिन लगाई गई थी, कौन सी पिन लगाई थी, कनेक्टिंग रॉड और पिस्टन को जोड़ने के लिए गजन पिन या पिस्टन पिन जिसको कहा गया था। तो पिस्टन को हटाने के लिए गजन पिन या पिस्टन पिन को जोड़ा जाता है, लटाया जाता है, ठीक है, तो ऑप्शन सी जो दे रखा है, ऑप्शन पढ़ लेता हूँ, ऑप्शन ए है हेड बोल्ट, ऑप्शन बी है वॉल्व प्लेट, ऑप्शन सी है गजन पिन और ऑप्शन डी है कनेक्टिंग रॉड। तो किसको हटाया जाएगा, गजन पिन को हटाया जाएगा, ठीक है। चलो अब देखते हैं हम 18वां सवाल, पिस्टन को कनेक्टिंग रॉड से जोड़ने वाली पिन पिस्टन पिन कहलाती है, या अथवा जो गजन पिन कहलाती है वो फिल इन द ब्लैंक की बनाई जाती है, किसकी बनाई जाती है, ये चीज़ मेरी बताई है, ऑप्शन देखो क्या है, कास्ट आयरन, हार्ड कास्ट स्टील, हाई कार्बन स्टील या कॉपर, बताइए ज़रा किसकी बनाई जाती है, हार्ड कास्ट स्टील की,
अभी तक एक भी सवाल ऐसा नहीं होगा जो मैंने नहीं पढ़ाया हो और आ रहा है, और इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि जो मैंने पढ़ाया उसी में से मैं आपको क्वेश्चन बना के दे रहा हूँ। ये एक स्टैंडर्ड बुक के क्वेश्चन है, ठीक है, जो आईटीआई लेवल पे स्टैंडर्ड चलती है ना, फर्जी बुक के नहीं है, स्टैंडर्ड बुक के क्वेश्चन, और वही मैं करवा रहा हूँ। तो किसकी बनाई जा रही है? हार्ड कास्ट स्टील की। चलो क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 भी कथन के लिए ही है, ठीक है। कथन पहला, वॉल्व तथा इनकी सीटों में अधिक क्लियरेंस होने पर कंप्रेस आवाज करने लगेगा, बिल्कुल सही बात है। और सेकंड कथन है कि वॉल्व तथा इनकी सीटों में कम क्लियरेंस होने से लीकेज होने लगता है। कैन यू इमेजिन कि वॉल्व और वॉल्व सीट में यदि मैं क्लियरेंस के अमाउंट को कम कर देता हूँ तो लीकेज होना स्टार्ट हो जाएगा, तो मैं क्या करूँ? ज़्यादा किया तो आवाज़ आ गई और कम किया तो लीकेज हो गया, ऐसा नहीं होता। हाँ, अगर ज़्यादा गैप है तो नॉइज़ जनरेट होगी, ये तय है, इसके अंदर कोई दोहराया नहीं है, पर अगर कम गैप होगा तो लीकेज नहीं होगा, ठीक है। तो स्टेटमेंट सेकंड एकदम रॉन्ग है। तो ऑप्शन ए जो दिखता है आपको, वो ऑप्शन ए ही यहाँ पे क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। चलो क्वेश्चन नंबर 20। कंप्रेसर से बाहर निकली हुई शाफ्ट के आसपास लीकेज को रोकने के लिए किसी युक्ति का प्रयोग किया जाता है? पिस्टन पिन का, वॉल्व प्लेट का, शाफ्ट सील का, या सर्विस वॉल्व का? बताइए। पढ़ाते पढ़ाते बोला मैंने तो, शाफ्ट सील का उपयोग किया जा रहा है, ठीक है, किसका? जो ऑप्शन नंबर सी में है। अच्छा दोस्तों, मैं एक बात आपसे पर्सनली शेयर करना चाहूँगा कि आप अपनी प्रैक्टिस में नंबर ऑफ क्वेश्चंस लगाते रहिए। अगर आपके पास क्वेश्चन नहीं भी हैं तो उन्हीं क्वेश्चंस को, जो क्वेश्चन थे उन्हीं को लगाते रहिए, नहीं है तो मेरे से संपर्क करें, मैं आपको पर्सनली क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाऊंगा, ये मेरा वादा है, ठीक है। एक आध बच्चा जो भी है वो संपर्क कर ले और फिर अपने ग्रुप के अंदर भेज दे, ऐसा नहीं जितने बच्चे हो सारे के सारे, 60 के 60 बच्चे एक एक का अलग अलग भेज रहे हैं। कोई भी एक बच्चा आप सब ग्रुप में ऐड है ना, तो डिसाइड कर लीजिए कि भाई किसको क्वेश्चन चाहिए, वो सबको फॉरवर्ड कर देगा, वो मुझे मैसेज कर दे, मैं उसको फॉरवर्ड कर दूंगा, क्योंकि मेरे पास किसी के कॉन्टैक्ट नहीं है एक्चुअली, ठीक है, तो आप कर सकते हैं। अब 21वां क्वेश्चन देखता हूँ। कंप्रेशर में दो धातुओं के अंतराल के सील को, दो धातुओं के अंतराल को सील करने में कौन सी प्रक्रिया सहायक है? ऑप्शन ए लैपिंग, ऑप्शन बी रिमिंग, ऑप्शन सी पॉलिशिंग, और ऑप्शन डी है गैस कटिंग। तो कंप्रेशन में दो धातुओं के अंतराल को सील करने के लिए, सॉरी गैस्केट कटिंग थी, गैस कटिंग नहीं थी, गैस्केट कटिंग जो है वो क्या होती है, यूजफुल होती है, सहायक होती है, ठीक है। चलिए 22वां सवाल देखते हैं। हेलो दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जरूर सब्सक्राइब कर लें व बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, जिससे आपको हमारे चैनल का हर एक वीडियो का अपडेट मिलता रहेगा। theory2practical.com जो आपको प्रोवाइड कराता है मोस्ट पावरफुल स्टडी मटेरियल फॉर योर मोस्ट पावरफुल प्रिपरेशन।